हुआ है। पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन देने का जो आदेश था वो वापस ले लिया है और इसके साथ ही सरकार ने निजी अस्पतालों से जो डोज इस्तेमाल नहीं हुई है उसे भी वापस लौटाने की बात कही है। अब सरकार निजी अस्पतालों से लिए गए पैसे अस्पतालों को लौटा देगी। पंजाब सरकार वैक्सीन के लिए फंड जुटाने के लिए 80,000 डोज प्राइवेट अस्पतालों को देने का अपना फैसला अब वापस ले रही है। निजी अस्पतालों में फ्री वाला टीका महंगे दाम पर लगाया जा रहा था, यही खबर जो एबीपी न्यूज ने दिखाई थी और एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, ये एक बड़ी खामी थी जिसे एबीपी न्यूज ने उजागर किया और आखिरकार खबर का असर हुआ है? देखिए रुमाना, खामी नहीं थी, ये गजब का अफसरशाही का ऑर्डर था जो आज दोपहर 2:15 बजे हमने मसला उठाया कि कैसे पंजाब सरकार एक तरफ जो फ्री में कोरोना का टीका लगा रही है उसी को प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल उसे 900 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए तक जो है वो लोगों को लगा रहे हैं। जब ये खबर दिखाई तो उसके बाद सरकार की नींद खुली या सरकार को ये समझ में आ गया कि हमारी चालाकी पकड़ ली है और उस चालाकी के बाद ये फैसला वापस लिया गया। मैं ये कहता हूँ कि चलिए आपको जो अस्पतालों ने पैसा दिया आप वो रिफंड कर रहे हैं और अपनी डोजेज जो आप 42,000 बता रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों को दी थी लगाने के लिए लोगों को वो आप वापिस ले लेंगे, लेकिन इतने लोगों को जिनको पैसे लेके प्राइवेट हॉस्पिटल 2-3-4 दिन से डोजेज लगा रहे हैं वो पैसे कौन देगा लोगों को वापस? इसकी जांच होनी चाहिए। ये स्कैम था जिसको एबीपी न्यूज ने पकड़ा और जोर शोर से आज दोपहर को उठाया जिसके बाद ये फैसला वापिस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।